नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूँ वो मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी जो सॉफ्टवेयर टूल यूज होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर टूल है उनको कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, उनका यूज करने का तरीका क्या है। और सबसे पहली बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर टूल आते कितने तरीके के हैं, सॉफ्टवेयर टूल कितने प्रकार के आते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई भी फ़ोन आता है उसमें सॉफ्टवेयर संबंधी जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसका मैं क्लास 10, 11 तक मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। आज मैं आपको क्लास 11 का वीडियो देने वाला हूँ जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन से संबंधित सॉफ्टवेयर संबंधी जो प्रॉब्लम आती हैं वो टूल के माध्यम से कैसे ठीक किया जाएगा, ये टूल्स के माध्यम से आप कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सॉफ्टवेयर क्लास 12 मतलब सॉफ्टवेयर क्लास है 12वां वीडियो हमारा, जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन से संबंधित अब तक मैंने फ्री के बारे में आपको बताया था कि कैसे हम ओडिन टूल से मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करेंगे, एसपी टूल से कैसे फ्लैश करेंगे, या एमआई फ्लैश टूल से कैसे फ्लैश करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो डोंगल टूल के माध्यम से बताने वाला हूँ कि डोंगल टूल के माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करी जाएगी। और ये सारी मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर से रिपेयरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, या वो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को सीख करके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर कर सकूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली आपको कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर ये मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग को ले सकें और आसानी से आप काम कर सकें। आज मैं आपको जो क्लास में बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के कितने तरीके के टूल आते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे, ये जानकारी है। सॉफ्टवेयर क्लास 12 सॉफ्टवेयर टूल्स, हमारे पास मोबाइल फ़ोन में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला यूज टूल आता है UMT Pro। एक डोंगल आता है जिस डोंगल को हम लोग परचेस करने के बाद हम जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन हैं सारे मोबाइल फ़ोन की अनलॉकिंग है, फ्लैशिंग है, या कुछ भी हम इस तरीके से जो भी सारे काम करना है उसको कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में आपको चलाना भी सिखाएंगे अभी। उसके बाद अगला डोंगल आता है MRT मेडिकल थंडर, हाइड्रा, CM2, अनलॉक टूल, Z3X, UFI, JTAG, मेडुसा प्रो, इतने तरीके के सॉफ्टवेयर डोंगल आते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के पर्पज़ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर डोंगल के बारे में बताने वाला हूँ, ये डोंगल कैसा दिखता है इसके बारे में आपको दिखाऊंगा वीडियो के बारे में, और आपको ये भी बताने वाला हूँ ये डोंगल कितने साल का आता है या कितने साल तक के लिए काम करता है, कैसे काम करता है और कितने रुपए का आता है, कीमत क्या है मार्केट में इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या है, इनका जो कीमत होता है वो मार्केट में कभी फिक्स नहीं रहता, हमेशा इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी पैसे इसके कम भी हो जाते हैं कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ को टेंशन मत लीजिए। जब आपको मार्केट में जिस भाव में मिलेगा उस टाइम पर आपको उतने पैसों में खरीदना पड़ेगा। आज अगर इसका दाम 3500 रुपये है तो 3500 को लेना पड़ेगा, कल को 4000 का होगा तो 4000 का लेना पड़ेगा, तो ये रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये UMT Pro डोंगल आता है, ये एक साल के लिए आता है,
इसमें एक्टिवेशन प्लान होता है कि इसे अगर आप देखेंगे इस तरीके का आता है, ये एक साल के लिए होता है। इसमें इसके अंदर एक सिम पड़ी होती है, ये देखिए ऐसे सिम आती है, इस सिम को इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये रिचार्जेबल होता है, इसको एक साल के लिए रिचार्ज कराते हैं तो 1800-1900-1700 रुपए का ऐसा ऐसा रिचार्ज होता है। दूसरी बात क्या, ये डोंगल जो है अगर यूनिटी प्रो डोंगल परचेस करने जाएंगे तो ये मार्केट में आज की डेट में 3900 से लेकर के 4000 रुपए कीमत का डोंगल लगता है। 3900 से 4000 रुपए का मार्केट में मिल जाता है, आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर आप हमको हमसे लेना चाहते हैं, हमसे मंगाना चाहते हैं तो भी आप हमसे मंगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं डोंगल को। तो ये डोंगल 3900 रुपए का डोंगल आता है, एक साल तक चलेगा, एक साल के बाद इसका प्लान एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा, एक्टिवेशन कराना पड़ेगा और तब ये डोंगल फिर से चालू हो जाएगा, फिर से काम करेगा। आप इससे कितना भी मोबाइल फ़ोन अनलॉकिंग करें, फ्लैशिंग करें, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करें, कुछ भी काम करें, लेकिन आपको बार बार कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही पैसा लगता है। तो ये हमारा कौन सा डोंगल रहता है दोस्तों, यूएमटी प्रो। सो इसका कीमत कितना आता है, 3900 रुपये। उसके बाद फिर हमारा अगला डोंगल आता है जिसका नाम होता है MRT। क्या नाम होता है, MRT। MRT डोंगल होता है वो देखने में इस तरीके से होता है, जिसका नाम होता है MRT की, ये देखने में इस तरीके से लगता है। और इसका जो कीमत होता है ये समथिंग मार्केट में 3400 रुपये का आता है। इसको एक बार खरीदने के बाद हमेशा लाइफ टाइम एक्सेस करते रहिए, लाइफ टाइम यूज़ करते रहिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि ये कभी कभी चलता है, कभी कभी बंद हो जाता है, काम करना फेल भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। तो उस कंडीशन पे इसका ज़्यादातर प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पाता, लेकिन ये हवाई को मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छा ठीक करता है। किरण CPU का इसके अंदर सपोर्ट दिया होता है बहुत अच्छे से काम करने के लिए, जो इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद मेडिकल थंडर जो होता है ये सभी को काम कर सकता है, लेकिन आज की डेट में जो इसका कीमत आता है ये 7000 के अप्रॉक्स में है। इसका जो रिचार्ज होता है, एक्टिवेशन रिचार्ज होता है, ये भी छोटा सा डोंगल की तरह आता है। इसका जो एक्टिवेशन रिचार्ज होता है ये समथिंग मार्केट में अगर देखा जाए तो इसका 2700 से लेकर 3000 रुपए तक का रिचार्ज होता है एक साल का सालाना। तो ये डोंगल भी महंगा है और इसका रिचार्ज भी थोड़ा सा महंगा है। अब हम बात करते हैं हाइड्रा डोंगल जो आता है, ये हाइड्रा डोंगल जो रहता है ये भी सारे मोबाइल फ़ोन का लॉकिंग फ्लैशिंग करता है, लेकिन ये मार्केट में 5400 रुपए का आता है, लेकिन इसका कोई सालाना कोई एक्टिवेशन प्लान नहीं होता, आप एक बार ले लीजिए यूज करते रहिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा समय तक यूज करते रहेंगे, कोई प्लान नहीं होंगे, तो वो डोंगल होते हैं ज़्यादा समय तक काम नहीं करते और उनकी वर्किंग तुरंत एक्सपायर हो जाती है और वो बंद हो जाते हैं। तो हमारे ऐसे डोंगल होने चाहिए, अगर उनका रिचार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उनका अपडेट तो हमको समय समय पर मिलता रहता है ना। तो ये इसमें रहता है। जो हमारा जो CM2 डोंगल होता है, CM2 डोंगल ये चाइनीज मेडिकल 2 का ही पार्ट है, ये मेडिकल थंडर AC का ही पार्ट है, डोंगल ग्रुप में है। ये समथिंग जो डोंगल आता है ये 5200-5500-5700 रुपए का आता है। इसका रिचार्ज भी समथिंग 2200-2300 रुपए का रिचार्ज होता है एक साल के लिए, ये भी होता है। इसके इस CM2 डोंगल के अंदर, हमारे CM2 डोंगल में फ़ायदा ये रहता है कि इसके अंदर MediaTek और SPD का सपोर्ट बहुत बेहतर होता है, कि आप MediaTek SPD के मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके उनकी अनलॉकिंग है, फ्लैशिंग है, प्रोग्रामिंग है, सारे काम को आप आसानी से कर सकते हैं ये CM2 डोंगल के अंदर। हम बात करते हैं अनलॉक टूल। अनलॉक टूल क्या होता है, एक ID पासवर्ड की तरह होता है जो हमको मिल जाता है और हमारा सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। फिलहाल आजकल ये बहुत अच्छा टूल काम कर रहा है, बहुत अच्छा चल भी रहा है। और अनलॉक टूल जो है, जिसके माध्यम से सारे ओप्पो वीवो एंड्रॉयड जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की अब हम अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं। ये जो अनलॉक टूल होता है ये मोस्टली अनलॉक करने के पर्पज़ पर यूज़ किया जाता है। इसका अगर कंपेरिजन देखा जाए तो अनलॉक टूल का MT प्रो, ये दोनों डोंगल आपस में एक दूसरे के कंपेरिजन में रहते हैं। Z3X बॉक्स जो रहता है ये सैमसंग के फ़ोनों को ठीक करता है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये Z3X बॉक्स है, लेकिन आजकल के समय पर इसका कोई यूज नहीं, वरना सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को बहुत बहुत बेहतर ठीक करता है। और इस बॉक्स का कीमत समथिंग 9500 से लेकर 13500 के अप्रॉक्स में था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं UFI बॉक्स। UFI बॉक्स जो होता है ये इस तरीके का बॉक्स आता है, इसके कई सारे अलग अलग पार्ट आते हैं। एक ये आता है, आप लोग देखेंगे, इसके साथ में ये अडेप्टर्स आते हैं, ये अडेप्टर्स आते हैं, ये इसका कनेक्टर्स आता है, ये आता है। तो इस तरीके से ये UFI के इतने सारे पार्ट आते हैं। इस बॉक्स का यूज हम MMC प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हैं।
जितने भी हम हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, ये सारे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB ऐसे अलग अलग स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो सारे स्मार्टफोन के अंदर क्या है कि UEFI बॉक्स का यूज़ किया जाता है। UEFI बॉक्स क्या काम करता है, उनको प्रोग्रामिंग कर सकता है, अनलॉकिंग कर सकता है, फ्लैशिंग कर सकता है, ISP पिनआउट से रिपेयरिंग कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी वर्किंग कर सकते हैं जो बाकी बॉक्सेस के अंदर फीचर्स नहीं दिए हुए हैं, तो UEFI बॉक्स का यूज़ करते हैं। जो UEFI काम करता है उसी तरीके से JTAG भी काम करता है, लेकिन UEFI एक अपनी अलग कंपनी है, JTAG अलग कंपनी है। जो काम UEFI JTAG करते हैं वही काम Medusa करता है, लेकिन Medusa का एक अपना अलग रोल है, वो अलग काम करता है, अलग कंपनी है। तो तीनों तरह के बॉक्स अलग, ये प्रोग्रामर के रूप में इस्तेमाल करे जाते हैं और ये हमारे डोंगल होते हैं जो मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयर करते हैं। चलिए बात करते हैं UEFI बॉक्स जो होता है, आजकल की डेट में अगर देखा जाए तो इसका कीमत होता है 23,000 रुपये के अप्रोक्स में आता है। JTAG जो बॉक्स आता है, अगर JTAG आज की डेट में पूरा कंप्लीट बॉक्स लेने जाते हैं तो कम समथिंग 40,000 के अप्रोक्स में आता है। Medusa Pro जो आता है आजकल के डेट में 37,000 रुपये का बॉक्स आता है। तो उसमें से अगर UEFI का अगर आप पूरा कंप्लीट UFS के साथ में आप सेटअप लेने जाते हैं तो इसका जो टोटल सेटअप 23,000 का और आता है, तो मतलब टोटल 46,000 रुपये का सेटअप आता है। लेकिन इसका JTAG का 40,000 से लेकर के 45,000 तक का ही सेटअप आता है और Medusa का 37,000 का सेटअप आता है। लेकिन UEFI की थोड़ी सी वर्किंग अच्छी रहती है, थोड़ा सा चलाने में इजी है, जो पहला फर्स्ट पर्सन है उसके लिए लेना बहुत अच्छी बात है कि उसे आसानी से चला सकता है, यूज कर सकता है, रिपेयरिंग कर सकता है। JTAG ये भी उससे बेहतर है, ये भी काम करता है। तो समथिंग सारे बॉक्सेस में थोड़े थोड़े फीचर आपस में एक दूसरे से कुछ अलग क्वालिटी होती है, बाकी वर्किंग प्रोफाइल सबका सेम रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं उन सॉफ्टवेयर टूल को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इतने तरीके के दोस्तों मैंने आपको सॉफ्टवेयर टूल मैंने आपको दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक करके प्रॉपर क्लास करेंगे, प्रॉपर क्लास के बारे में समझेंगे कि कैसे हम इनके माध्यम से मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को रिपेयरिंग करेंगे, कैसे मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, कैसे फ्लैश करेंगे। उससे पहले हम लोग सीखेंगे इस बॉक्स को चलाना, क्या सीखेंगे इस बॉक्स को चलाना। आज दोस्तों मैंने आपको सॉफ्टवेयर क्लास का इंट्रोडक्शन दिया हुआ कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर टूल का हम लोग यूज करेंगे, यूज करने के बाद उनसे हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर के लाइन में देखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम कितना कठिन है। आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो सीखने के लिए आते हैं मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, तो वो देखते हैं कि यार सॉफ्टवेयर का काम तो मैं सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, उससे काम होगा भी कि नहीं होगा, क्या होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उन्होंने कभी सॉफ्टवेयर लाइन में गए तो सोचा रहे बड़ा कठिन है, काम हो नहीं पाता, वो हार्डवेयर के काम में लगे हैं। लेकिन हाँ ये बात जानते हैं कि सॉफ्टवेयर काम में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, मार्जिन बहुत अच्छा है, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये में लोग मार्केट में अनलॉकिंग कर देते हैं, एक भी पैसा नहीं लगता, 600-600, 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं, एक भी खर्चा नहीं लगता। सिर्फ पैसा किस चीज़ का होता है, ट्रिक का पैसा होता है, नॉलेज का पैसा होता है, जानकारी का पैसा होता है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर लाइन में आप अगर देखेंगे तो जितना भी सारा टोटली पैसा होता है, इन्फॉर्मेशन का पैसा होता है, वही इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए आप आते हैं। तो सीखने को लेकर के आप दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मेरे पास आएंगे तो कंप्लीट ए से लेकर जेड तक अगर आप सीख करके जाएंगे, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट हार्डवेयर है, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, MMC प्रोग्रामिंग है, IC रिवॉल्विंग है, चार्जिंग पिन, स्पीकर, रिंगर, माइक रिंगर्स चेंज करने से लेकर ग्लास OCA से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में पूरा जानकारी है। तो आपको ट्रेनिंग के बारे में ये तो बात समझ लीजिए कि आप पूरा ए से लेकर जेड तक कंप्लीट सीख के जाएंगे। 45 डेज का 45 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर 45 दिन के बाद भी सीखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है तो कोई पैसा कोई चार्जेस आपको नहीं देना, आप पूरा कंप्लीटली सीख करके ही जाएंगे ए से लेकर जेड तक, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट नॉलेज को सीख करके जाएंगे और थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आप सीख करके जाएंगे ताकि किसी काम को बेहतर तरीके से कर सके और अच्छे तरीके से कर सके और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके से अपडेट्स वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती रहे, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपको फटाफट वो वीडियो मिल जाए और वीडियो को देख करके आप अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 6391711711 इस नंबर पर आप संपर्क करें, या दूसरा नंबर और भी 6391211211 किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि कॉल के बारे में सारा जानकारी ले सकते हैं,
सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं। उसी के बीच में आप चाहो तो वीडियो कॉल करके सर से समझ सकते हो कि सर किस तरीके से क्लासेस हो रही हैं, कैसे सिखाया जा रहा है, क्या क्या सारी जानकारी दी जा रही है। आप थोड़ा सा बच्चों को क्लास करते हुए देखो ताकि आप देखो कि कितना आसान तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीखा जा सकता है। मुझे सर इस लाइन में सिखाते सिखाते 17-18 साल हो गया। हर एक बच्चा आता अच्छे तरीके से सीख करके जाता है। हम उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर सारी चीज़ों को अच्छे से जानकारी दे करके सीखते हैं। हम उन स्टूडेंट पर विशेष फोकस रखते हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, जिन्होंने आज तक रिपेयरिंग का उन्होंने आड़ नहीं जाना। आज हमारे साथ में पहली बार उन्होंने अपने लाइव को शेयर किया कि सर हमको मोबाइल फ़ोन का काम भी सीखना है। और आज मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे कि आज मैं आपको ऐसे भी लोगों से मिलाता हूँ। अभी मेरे पास एक राजीव जी ने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन किया है। वो पहले आर्मी की डिफेंस की बहुत अच्छी तैयारी करते थे, उनका हाइट वाइट भी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये किस्मत थी कि उनको जॉब नहीं मिल पाई। अब नहीं मिल पाई तो नहीं का तो कोई भैया सवाल नहीं, कोई आदमी अपनी जान तो दे नहीं सकता, उसको लाइफ में तो काटना है। तो उन्होंने सोचा कि यार हमारा खेती किसानी का काम है, क्यों ना यार हम अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम ही सीख लें। तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मैं सीख तो जाऊँगा ना, और ये रिपेयरिंग का काम है, टांका टूंका लगाना है, मैं जान तो जाऊँगा ना। तो हमने कहा सर आप इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब आप मेरे पास आएंगे सीखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया समथिंग 7-8 दिन हो गए, और आज उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल फ़ोन को उसी कटिंग किया, बढ़िया पंच किया, फिर पहले जैसा बनाया। उन्होंने खुद देखा, कह रहे थे सर जी इसमें तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, ये तब तक रहता है जब तक आपको जानकारी ना हो। जिस दिन आपको दोस्तों जानकारी हो जाएगी ना, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगे, बिल्कुल ईजी लगेंगी। तो यही सीखने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए टेक्निकल स्किल को सीखने के लिए ही आप हम लोग ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, ताकि हम सीख करके बेहतर फ्यूचर और बेहतर कल के लिए हम लोग खड़े हो सकें, अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।